यूक्रेन से तेल की आपूर्ति बहाल करने के लिए रूस द्वारा मानवीय आधार गलियारा प्रदान करने की रिपोर्ट से बाजार लगातार गिर रहा है। इंडोनेशिया पाम तेल उत्पादकों की अनिवार्य घरेलू बिक्री की मात्रा का निर्धारण उनकी शोधन क्षमता और खाने पकाने के तेल की स्थानीय मांग के आधार पर करेगा। रूसी उप विदेश मंत्री का हवाला देते हुए कहा कि रूस सूरजमुखी के तेल के प्रमुख उत्पादक यूक्रेन से खाद्य तेल जाने वाले जहाजों के लिए एक मानवीय गलियारा प्रदान करने के लिए तैयार है। व्यापारियों और विश्लेषकों के अनुसार चीन में सोया तेल की मांग में गिरावट से दुनिया के सबसे बड़े उपयोगकर्ता तिलहन की खपत में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए रेस्टोरेंट्स और कैंटीन बंद कर दिए गए हैं। इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।